ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आने वाले साल 2022 में आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? आखिरकार कौन सी शादी हमारी होगी? शादी होगी भी या नहीं होगी? कैसे होगी? हमारी राशि के बारे में, आप अपनी राशि के बारे में कई सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे, और शायद आप ये वीडियो देखने भी इसीलिए आए हैं कि आपको पता लगे कि इस साल हमारी शादी होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो लव होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है आज के युवा का। तो अगर आपका ये प्रश्न है और आप चाहते हैं कि आपकी 2022 में शादी हो, लव हो या अरेंज हो, लेकिन शादी हो, तो ये वीडियो पूरा देखें, और इस वीडियो के माध्यम से आप जान भी पाएंगे कि आपके साथ जो 2022 में क्या क्या चीज़ें घटित होने वाली हैं। तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सबसे पहले आप कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम जरूर लिख लें। हर हर महादेव लिखें, जय शिव शंभो लिखें, कोई सा भी नाम लिखें। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि इस साल 2022 में आपकी राशि के जातकों का विवाह योग बहुत हद तक प्रबल योग है। मतलब जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से वो चाह रहे हैं कि हमारा विवाह हो, उनके लिए सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रबल योग इस साल है दोस्तों। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन बातों को आपको समझना चाहिए। अब वही बात रही बात यहाँ से कि लव होगा या अरेंज मैरिज होगा। दरअसल ये हर एक व्यक्ति की पर्टिकुलर जो कुंडली है उससे इंगित होता है कि उस जातक की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। लेकिन अगर आप किसी लड़के को पसंद करते हैं या लड़की को पसंद करते हैं, या आप किसी से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो उपाय है, आप रोज़ शिव जी को इत्र लगाना शुरू करें, शिव मंदिर जाए, इत्र लगाना शुरू करें, तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज जिसे आप चाहते हैं उससे आपकी शादी हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं कि अगर शादी हो, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और उपाय है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि जो ज़मीन की मिट्टी है, काली मिट्टी खेतों की आती है, इसे आप पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। अगर आप इसे रखते हैं तो इसके भी आपको बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। रही बात अगर आप खुद चाहते हैं कि हमारी लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या शादी के लिए जो रुकावट हो रही वो किस तरह से चीज़ें हो सकती है। लेकिन उसका फीस लागू है दोस्तों, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर बात वहाँ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।